नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भाजपा आज शाम तक अपने कोटे के नए मंत्रियों की सूची मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप सकती है। इन नामों पर केंद्रीय नेतृत्व ने भी मुहर लगा दी है। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ इसके लिए दिल्ली में मौजूद हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार भाजपा के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से वार्ता के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा कोटे के नए मंत्रियों की नाम फाइनल कर दी है। इन सभी नामों की सूची सीएम नीतीश कुमार को सौंप दी जाएगी। आपको बता दें कि नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी की वजह से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है, जबकि इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी बात कही थी। सीएम ने कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा की तरफ से अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है। उन्होंने कहा था कि वह तो चाहते थे कि पहले ही विस्तार हो जाए, लेकिन विस्तार होगा, कब होगा यह तय नहीं है। इसके बाद यह लगने लगा था कि देरी भाजपा की तरफ से ही हो रही है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल इसी सिलसिले में 18 जनवरी को दिल्ली गए थे। अब खबर यह मिल रही है कि मंगलवार शाम तक कोटे के नए मंत्रियों के नाम पर मुहर लग गई थी। अब संजय जायसवाल और राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बुधवार यानी आज शाम तक यह सूची मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप देंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा चले जाने के बाद अब भाजपा बिहार में अपनी नई टीम खड़ा करने में लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा को उसके सहयोगी दल जदयू के मुकाबले ज्यादा सीटें आई हैं। इसलिए एनडीए गठबंधन में इस नई सरकार में मौजूद जदयू का अब पहले वाला वर्चस्व नहीं है। यह भी तय माना जा रहा है कि भाजपा की यह नई टीम बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार तो चलाएगी, लेकिन किसी प्रकार के दबाव से मुक्त रहेगी। वहीं शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद भेजकर पार्टी ने इस दिशा में स्पष्ट संकेत भी दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार में भाजपा के किन युवा और अनुभवी नेताओं को मौका मिलता है। बिहार की सियासत में बीजेपी के नेता उसके चेहरा होंगे और पार्टी के आधार को राज्य में और ज्यादा मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन की पिछली सरकार में बीजेपी कई मौकों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के साथ समझौता करती नजर आई थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा अब अनुभवी चेहरों के बाद युवा चेहरों को बिहार का नेतृत्व सौंप संतुलन कायम करने की कोशिश कर रही है, ताकि पार्टी का आधार भविष्य में और ज्यादा बेहतर हो सके। हालांकि कैबिनेट विस्तार में बीजेपी द्वारा पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को भी जगह देने की कोशिश की जा सकती है। इसके साथ जातीय समीकरण को भी साधने की पूरी तैयारी होगी। कुल मिलाकर अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार कब होता है और मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को मौका मिलता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।